कबीर ही तो बहुत अच्छी है खुशी। कबीर देखना किसी को पता ना चले। तू सच्ची दोस्त है, देखना मेरी मम्मा की सारी दुआएं तुझे लगेंगी। थैंक यू। देखो अमृता, दवाइयां गायब हुई हैं और अगर कोई दवाइयां गायब करके बाहर दगड़िक्स को बेच रहा है तो हमें रूल आउट तो करना ही होगा ना। करण, तुम्हें लगता है कि मैं मुस्कान के नाम पर दाग लगने दूंगी? नहीं ना। हाँ तो बस फिर लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट ना कि कौन कर रहा है, क्योंकि जो भी ये कर रहा है उसे पकड़ना हमारी ड्यूटी है। कबीर, आज मैंने तुम्हें पूरा बॉक्स दे दिया है क्योंकि शायद बाद में हॉस्पिटल आने का मौका ना मिले, मम्मा को शक हो जाएगा ना। कोई बात नहीं खुशी, तूने इतना किया वही बहुत है यार। पर कबीर, हॉस्पिटल डे पे आ रहा है ना। तू जो कहेगी मैं वो करूँगा, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ज़रूर आना, बहुत मज़ा आएगा, फिर तुम्हें पता चलेगा हमारा मुस्कान हॉस्पिटल कितना अच्छा है। हाँ हाँ, मैं पक्का आऊँगा। हेलो सर, मुस्कान हॉस्पिटल के एनुअल डे के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। इसी तरह आप तरक्की करते रहिए और हर साल एनुअल डे मनाते रहिए। थैंक यू। गुड लक टू यू एंड योर टीम। थैंक यू। ओके जी। देवू, कहाँ हो तुम? ये चेयर ऐसे क्यों पड़ी हुई है? वहाँ पे मिर्ची लाई तो लगाओ। हाँ, वहाँ पर। अटक गए आज हम ही, पटक गए कल तक तो थे सही, इन आँखों के फंदों में इस लम्हे में हम दो है। सिमट गए आज हम ही, पट गए अरमानों में कहीं, कर गए गुस्ताखियां नहीं। अटक गए आज हम ही, भटक गए कल तक तो थे सही, तन्हा से परिंदों में रहते थे नींदों में, लुचक गए आज हम यूं ही, वो ठग गए दिल बातों में यूं ही, अटक गए तक तो थे सही। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आज तो तेरा ही दिन है अमृता, हर साल की तरह तुम्हें ही छा जाना है। बस हर साल की तरह बड़ी तैयारियाँ की हैं हॉस्पिटल ने इस दिन के लिए। आज ही के दिन तो बस सारे मरीज अपने सारे दुख दर्द तकलीफें भूल जाते ना, इसीलिए तो मनाते हम ये दिन। कैसी लग रही तैयारी? अरे डिम्पल, आंटी जी। मैं अभी आई हूं।
बॉबी, क्या ये क्या कर रहे हो तुम? डिंपल मैम, वो मम्मी आंटी ने कहा कि मुझे फंक्शन देखना है, तो उन्हें यहाँ ले आया। तुम्हें पता है ना ये इतनी देर नहीं बैठ सकती, ईसीजी कौन मॉनिटर करेगा? हाय, बैठने देना डिंपल। अब 10-15 मिनट से ज्यादा व्हीलचेयर पे नहीं बैठ सकती, आपको लेटने की जरूरत है और डॉक्टर्स के ऑर्डर्स हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा। बॉबी, लेकर जाओ उन्हें, गो। सिस्टर दीदी, कुछ करो ना। डिंपल, डोंट इवन अमृता, डॉक्टर्स के ऑर्डर्स हैं, मुझसे बहस मत करना। मुस्कान ही मेरा परिवार बन गया है, अब जब ये मेरा घर है तो मैं भी इस घर की बड़ी बुजुर्ग हुई। बॉबी, तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है करण? वो अमृता, डिंपल बिल्कुल ठीक कह रही है, मम्मी आंटी के लिए यहाँ बैठना ठीक नहीं। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना करण। मम्मी आंटी, आपके लिए हमने एक स्पेशल सीट रखी है। वो देख रही हूँ ऊपर बालकनी में, वहाँ हमने आपके लिए एक बेड लगवा दिया, तो आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितनी देर देखना आराम से लेट के पूरा फंक्शन देखिए। मुस्कान हॉस्पिटल की सबसे पुरानी पेशेंट के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। थैंक यू। अभी तक वीर आए क्यों नहीं? अरे मेहर दीदी, हेलो, आप रेडी नहीं हुए? अरे कृष्णा, तू आ गया? हाँ दीदी, अब हॉलिडे खत्म और वैसे भी एनुअल डे है, कैसे मिस कर सकता था। पर आपको क्या हुआ? अरे नहीं, मुझे ना बड़ी घबराहट हो रही है, मेरा दिल बहुत धक-धक कर रहा है। चेक करा लो दीदी, कितने बीट पर कर रहा है। अगर 90/110 है तो ठीक है। अच्छा, बदतमीज। सुंदर लग रहे। मुझे तो पता ही था कि सबने मर जाना है मेरे पीछे। स्पेशल वाली ड्रेस बनवाई है मैंने अपने टेलर से। बोल रहा था ऐसी ड्रेस पूरे पटियाले में और कहीं नहीं मिलेगी। वाह मलिका, क्या लग रही हो यार। थैंक यू। मलिका, ये ओरिजिनल डिजाइनर पीस है, यूएस से मंगवाया $500 में।
तुम्हें पता है 500 डॉलर्स रुपीस में कितने होते हैं? ये कोई स्टूपिड टेलर की चोरी की हुई डिजाइन ही है। इडियट। मैंने तो 500 रुपए में बनवा दिया था, इसने पूरे अमेरिका की करेंसी खर्च कर दी। महंगा खरीद के क्या टेंशन मारती है? बात तो तब बनती ना जब वो सस्ते में लेकर आती इंडियन करेंसी खर्च करके, है ना? अरे कोई ना मलिका, वो तो महंगी हुई ड्रेस लग रही है, जच भी नहीं रही है। वही तो, तू सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तू सबसे बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। करण, तुम पे भी रंग चढ़ता जा रहा है, बी केयरफुल। हाँ, अदरवाइज तुम में और इन जोकर्स में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। कम ऑन डिंपल, आज के दिन उनको वार्ड में रखने का कोई रीजन नहीं था यार। ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट था ना करण, देख रही हूँ मैं आजकल तुम्हारी नजरें किसी को ढूंढती फिरती हैं। इट्स डेंजरस। अब कम ऑन, क्या बकवास कर रही हो तुम? अच्छा सुनो, आज का दिन जो है ना, आज सेलिब्रेशन का डे है, और सेलिब्रेशन के दिन इतना टेंस रहना जरूरी नहीं। डॉक्टर्स ऑर्डर्स। हाँ, लाइटन अप, लाइटन अप, लाइटन अप। अरे नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। कैसे आंटी आप? अच्छे। कैसी हैं आप? अरे वाह, लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू। हाय। वाह, काफी अच्छा इंतजाम किया तुमने करण। अरे आंटी, ये सारा अरेंजमेंट तो आपकी बहू ने की है। इनफैक्ट मैं तो खुद ही अमेज्ड हूँ कि वो इतना वो एक्चुअली आंटी मेरा भी पहला साल ही है ना, तो मैं भी गेस्ट की तरह ही सब कुछ देख रहा हूँ। ठीक है, इन दैट केस तुम्हें मेरे साथ बैठ के देखना होगा। अरे एब्सोल्युटली, आई। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, और जिस दिन तुम ये पायल पहन लोगी मैं भी पूरा हो जाऊंगा मेहर। आएगा 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 आएगा, आने वाला आएगा। शायद वो नहीं आएंगे बेबे, वो कभी लेट नहीं होते। ओए, लेट तो तू हो गई है पुत्र, इंतजार करने की भी लिमिट होती है, उसने बहुत किया है। अब शायद मेरी बारी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है बेबे, एक ऐसी चीज तो उन्हें यहां जरूर खींच के लाएगी। चला जा। आज मुस्कान दिवस, आज मुस्कान परिवार के हर एक सदस्य का तहे दिल से स्वागत है। खुशी बेटा कहाँ खोई हुई, जल्दी कर। आज तो दीदी ने मेरी लाइंस कराने में हेल्प ही नहीं की, अब मैं सारी लाइंस भूल जाऊँ।
जाऊंगा मम्मा, कुछ नहीं बोलेगा, मेरा बेटा तो परफेक्ट है ना। सूरज खुशी, कितना और टाइम लगाओगे, बाहर लोग वेट कर रहे। चलो खुशी, चलो जल्दी, चलो सूरज खुशी को ले जा, खुशी को ले जा, ले जा ले जा ले जा, चल चल चल, मैं जल्दी से रेडी हो जा। आज इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य खुशी और सूरज आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये नजराना, खुशियों का पिटारा, और साथ में है आप सबकी चहेती कियारा। चलो 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 चलो, ऑल द बेस्ट। और मैं हूँ बेबी एलिफेंट, और हम इस जंगल में रहते हैं। मम्मा मम्मा, हम जंगल की उस पार खेलने क्यों नहीं जा सकते हैं? उस पार कभी मत जाना, उस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, बड़े बड़े लायंस टाइगर्स घूमते हैं। वैसे भी मम्मा की तो ड्यूटी है अपने बच्चों को सेव करना। सूरज सूरज, ऑल द बेस्ट, जाओ। देखो तुम्हारा बंदर दोस्त आ गया, जाओ खेलो। क्या हुआ बंदर, तुम बीमार हो? सब बंदरों ने मेरा खाना खा लिया और मैं दो दिन से भूखा हूँ। प्लीज मेरी हेल्प करो। मम्मा कहती है कि दोस्त की हमेशा हेल्प करनी चाहिए। तुम कहो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब तो सिर्फ एक ही पेड़ बचा है, और वो भी जंगल के उस पार। जंगल के उस पार? पर मम्मा बोलती है वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ बहुत खतरा है। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो कौन करेगा? प्लीज हेल्प मी। मुझे तुझसे और दवाइयाँ चाहिए, एक तुम्हें तो जो बिना किसी को बताए मेरी मदद कर सकती हो, करोगी ना मेरी मदद? खुशी, आगे की लाइन बोल बेटा, बोल। तुम तो मेरी दोस्त हो ना खुशी, मेरा मतलब बेबी एलिफेंट। पर ये रॉन्ग है। दोस्ती में कुछ रॉन्ग नहीं होता। प्लीज हेल्प मी। तू बहुत अच्छी है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और ये सब तू मेरी मम्मा के लिए तो कर रही है ना? क्या दोस्ती में कुछ रॉन्ग नहीं होता है? क्या दोस्त के लिए कहा हुआ झूठ सच हो जाता है? कौन ने इसके लिए क्या रूल बनाया है? ने ही सब कुछ बनाया है, तो फ्रेंडशिप भी उन्होंने ही बनाई होगी। और अगर फ्रेंड के लिए गलत काम करो तो वो भी सही हो जाता है।
मुझे अपने बंदर दोस्त की मदद करनी होगी। मुझे इस जंगल में जाना ही होगा। क्या चलो फर्स्ट टाइम ये बाउंड्री क्रॉस कर रही हूँ सिर्फ अपने दोस्त के लिए। मम्मा ने बोला भी था डर मत जाना। बाबा जी आई एम रियली सॉरी प्लीज।